कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडू नेस्ट में वेलकम है। गाइस हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो कि क्लास सिक्स का पढ़ रहे हैं अभी, जो कि केवीएस, सीटेट, एसटेट या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। तो जो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नाइन्थ चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसमें कुछ एक दो क्लास हो चुका है, कुछ पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं और आगे का पॉइंट इस क्लास में हम लोग देखेंगे। गाइस आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और मैं जो वर्क कर रही हूँ लगे कि मुझे भी आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, और उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें हम लोग आवास के बारे में देखेंगे। आवास जो कि विभिन्न आवासों की यात्रा हेडलाइन है, विभिन्न आवासों, विभिन्न आवासों की यात्रा। इसमें हम लोग मरुस्थल, जल, जंगल इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मरुस्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। मरुस्थल, मरुस्थल किसका आवास होता है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट में, डेजर्ट में रहने वालों, रहने वाले चूहे एवं सांप, चूहे एवं सांप दिन की तेज गर्मी से, दिन की तेज गर्मी, गर्मी से बचने के लिए, बचने के लिए भूमि के अंदर, भूमि के अंदर मतलब मिट्टी के नीचे, भूमि के अंदर गहरे बिल, जिसको हम लोग बोल बोलते हैं, बिलों में रहते, बिलों में रहते। रात्रि के समय, नाइट में जब टेम्परेचर कम होता है, रात्रि के समय जब, रात्रि में जब टेम्परेचर में कमी आती है, तो ये जंतु बाहर आते हैं। तो तब ये जंतु बाहर आते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन जो होता है द्वारा जल में, जल की बहुत कम मात्रा, जल की बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी पौधे होते हैं उसको कुछ पानी की जरूरत होती है। तो वो सब जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में, उसमें जो जल निकलता है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। मरुस्थलीय पौधों में,
मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां लीव्स या तो एब्सेंट होती है अथवा बहुत छोटी होती है अथवा बहुत छोटी होती है होती है। कुछ पौधों में लीव्स कांटों जिसको हम लोग सूल और थॉर्न भी कहते हैं का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पौधों में फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जनरली तने में होता है, जनरली स्टेम में होता है। तना एक मोमी परत से कवर्ड रहता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती, पौधे को जल वाटर कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण एब्जॉर्बेशन के लिए मिट्टी में बहुत डीप तक चली जाती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विभिन्न आवासों की यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डेजर्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं। डेजर्ट में रहने वाले चूहे एवं सांप, जो ये दोनों होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन के समय बिल में घुस जाते हैं, जो होल बनाता है मिट्टी के अंदर उसमें घुस जाते हैं तेज गर्मी से बचने के लिए। और फिर जब रात होती है और सेंड बालू जब ठंडा होने लगता है तब ये सब बाहर निकलता है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा इवेपोरेशन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे जब अपना वो वाष्पोत्सर्जन करता है तो कुछ मात्रा उसका निकलता है वाटर का पौधों में से, तो उसका क्या होता है, बहुत कम मात्रा निकलता है। मरुस्थलीय पौधों में लीव्स उसका जो पत्ता होता है या तो एब्सेंट होता है मतलब नहीं होता या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में लीव्स कांटों या सूल जैसे कि नागफनी में हम लोग देखें कि कांटा जैसा रहता का रूप ले लेती है, उसका क्या है, वो लीफ है।
इन पौधों में फोटोसिंथेसिस जनरली स्टेम में होता है। ऐसे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कहाँ भी होता है, स्टेम में, तना में होता है। तथा तना जो है इसका स्टेम एक मोटी मोमी परत, यहाँ पे आप मोमी वर्ड को याद रख सकते हैं कि तना उसका किस चीज का परत मतलब लेयर बना से कवर रहता है, तो वो क्या होगा, मोमी परत से कवर रहता है, जिससे पौधों को जल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन करने में हेल्प मिलती है। अब जब लीफ जो उसका तना है वो अपने में जो वाटर को रखता है, तो उसके लिए उसको एक मोटी सी लेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग मोमी कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण जो एब्जॉर्प्शन करता है के लिए मिट्टी में बहुत डीप तक चली जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है वहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है और उसका जो लेयर होता है बहुत नीचे तक रहता है। तो गाइस आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।